नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पाकिस्तान IMF से अब तक कई बार लोन ले चुका है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए ये रास्ता भी बंद हो चुका है। वजह है चीन। चीन पाकिस्तान को कर्ज देकर ना तो मरने दे रहा है और ना ही आर्थिक स्थिति से उभर कर जीने दे रहा है। आलम यह है, अब पाकिस्तान भूखमरी की स्थिति पर आ चुका है। यहाँ आप पाकिस्तान की तुलना वेनेजुएला से कर सकते हैं, जहाँ पर भूखमरी की वजह से सैकड़ों लोग हर दिन मर रहे हैं। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की रही सही कसर अमेरिका ने निकाल दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए IMF से 8 अरब डॉलर की मांग की है, लेकिन अब IMF से पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि IMF से मिलने वाले पैसों से पाकिस्तान अपने दोस्त चीन का कर्ज चुकता करेगा। इसलिए ट्रंप सरकार के कई मंत्री पाक की इस राह में भी रोड़े अटका रहे हैं। आपको बता दें कि चीन ने पाकिस्तान में CPAC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमी के तहत 62 अरब डॉलर की निवेश कर रखी है। पाकिस्तान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इमरान खान बेबस है। इमरान खान की पार्टी के एक नेता ने यहाँ तक कह दिया कि आर्थिक तंगी के चलते लोग 2 रोटी की बजाय 1 रोटी ही खाएं। जानकारों का कहना है, यदि IMF से राहत पैकेज नहीं मिलता तो पाकिस्तान को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ हम आपको ये बता दें, चीन एक ऐसा देश है जिसके लिए व्यापार और पैसा ही सब कुछ है। अगर उसे पाकिस्तान को दिया हुआ कर्ज सही वक्त पर नहीं मिलता है तो चीन पाकिस्तान का हश्र भी वैसा ही करेगा जैसा उसने श्रीलंका के साथ किया था। आपको बता दें, श्रीलंका भी चीन से भारी भरकम कर्ज ले चुका है, लेकिन वो चीन को सही समय पर चुका नहीं पाया, लिहाजा चीन ने श्रीलंका का एक बंदरगाह 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया है, जिसे श्रीलंका का छुड़ा पाना नामुमकिन लगता है। अगर पाकिस्तान भी चीन का कर्ज नहीं चुका पाया तो पाकिस्तान की स्थिति भी श्रीलंका जैसी ही हो जाएगी। खबर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।